कि भाई साहब ये त्रिपी क्या है। तो देखिए यहां बाद मात्र दो झटके यूं देंगे, उसके बाद यूं करेंगे। साथियों नमस्कार, आज आप सभी के निवेदन पर मैं लेके आया हूं इस बैंती पेन 3P के बारे में, जिसको हम पुराने टाइम से बैंती पेन LA बोलते आए हैं, और इसी बैंती पेन LA की कंप्लीट जानकारी आज के इस वीडियो में शामिल करने वाले हैं। वो जानकारी जो शायद आपके पास नहीं है, कुछ विरल चीजें जो इसकी है, कुछ खास बातें वो आप लोगों से आज मैं शेयर करूंगा। कंप्लीट बातें ये बैंती पेन की आपके सामने खोल दी जाएगी। देखिए यहां आप देख रहे हैं बैंती पेन की कुछ चीजें जो यहां लिखी हुई है। लॉन्ग एक्टिंग, यानी बैंती पेन जो है वो लॉन्ग एक्टिंग है। ट्रिपल पेनिसिलिन, यानी इसमें पेनिसिलिन के तीन ग्रुप है। तो पेनिसिलिन अपने आप में एक ग्रुप है, आपको पता है, ये एंटीबायोटिक है। और एंटीबायोटिक में हम अगर देखें तो इसमें ट्रिपल पेनिसिलिन डाला गया है, यानी तीन रूपों वाला पेनिसिलिन है। कौन सा है अभी हम जांच करेंगे। इसके अगर हम देखें, देखिए इस तरीके से ये पेपर पैकिंग है डिब्बे में, और उसके बाद यहाँ हम देख रहे हैं इस प्रकार की एक वायल मिलती है जिसमें पाउडर है, दिख रहा आपको पाउडर है, और एक डिस्टिल्ड वाटर मिलता है, स्टराइल वाटर जो इसके अंदर डाल दिया जाता है। अगर स्टराइल वाटर की मैं बात करूं तो ये 20 ml है, और यहां मैं बात करूं तो ये 48 लाख है। अब आप कहेंगे सर ये 48 लाख क्या है? जी हाँ, पेनिसिलिन की जो मापन होता है वो इंटरनेशनल यूनिट में होता है, और ये इंटरनेशनल यूनिट जो होता है जिसको IU बोलते हैं, ये 48 लाख IU पेनिसिलिन इसके अंदर डाला गया है, इसीलिए इसको 48 लाख कहते हैं। ये 24 लाख में भी आता है, तो ये 12 लाख में भी आता है, यानी विभिन्न रूपों में आपको ये मिल सकता है। आज हम कंप्लीट बात कर रहे हैं इस 48 लाख की। देखिए यहां अगर हम देखें तो लॉन्ग एक्टिंग है, ट्रिपल पेनिसिलिन ये आपने देख लिया, और बैंती पेन जो है ये केरवेट फार्मा का ब्रांड है, और काफी टाइम से वाकई ये अच्छा चल रहा है बैंती पेन। पहले ये बैंती पेन LA लिखा रहता था, या लिखा हुआ LA, पहले ये LA ही लिखा हुआ रहता था, आजकल इसमें 3P भी लिखा रखा है, क्योंकि पहले सिर्फ बेंजाथीन पेनिसिलिन इसके अंदर ऐड किया गया था, और अब इसमें 3P कर दिया है इसको, यानी कि तीन पेनिसिलिन इसके अंदर ऐड कर दिए गए हैं। 48 लाख यूनिट मैंने आपको बता दिया यूनिट में है। वेटनरी का है, केरवेट फार्मा का ये है। अब अगर हम बात करें इसके कंटेंट की कि भाई साहब ये 3P क्या है, तो देखिए यहाँ आप देख रहे हैं कि बैंती पेन 3P LA जो है 48 लाख यूनिट, इसमें ईच वायल में ये जो कंटेंट दिया गया है पूरी वायल का है, ध्यान रखिएगा, पूरी वायल में जो कंटेंट दिया गया है ट्रिपल पेनिसिलिन पाउडर, ठीक है, और ये कितना है 48 लाख है। इसके अंदर क्या क्या है देखिए, यहां है पेनिसिलिन जी बैंती पेन, यानी जिसको हम बैंती पेन, ये जो बेंजाथीन पेनिसिलिन बोलते हैं, तो यहां बेंजाथीन पेनिसिलिन है, पेनिसिलिन जी बेंजाथीन, ठीक है, कितना है भाई ये 24 लाख इंटरनेशनल यूनिट है। उसके बाद अगर हम देखें तो पेनिसिलिन जी प्रोकेन है, जिसको प्रोकेन पेनिसिलिन भी हम बोलते हैं, ये कितना है, ये भाई इसके अंदर 12 लाख इंटरनेशनल यूनिट है, और पेनिसिलिन जी सोडियम भी इसके अंदर 12 लाख इंटरनेशनल यूनिट है। तीनों को मिलाया जाए तो ये 48 लाख बनता है, और 48 लाख जो है वो पूरी बड़ी जो गाय भैंस है उसकी डोज है, छोटों में फिर 24 लाख 12 लाख उस हिसाब से लगाया जाता है। यहाँ हम डोज की भी बात करेंगे तो कंप्लीट बातें करेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ें तो यहाँ डोज बिल्कुल दी गई है, लेकिन नहीं दी गई, क्या लिखा हुआ है, एज डायरेक्टेड बाय द वेटनेरियन, यानी वेटनेरियन तय करते हैं कि जो बीमारी हुई है उसके अकॉर्डिंग क्या डोज दी जाए। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ 12,000 जो यूनिट है इंटरनेशनल यूनिट वो 1 kg पर दिया जाता है। अब ऐसे तो आपको समझ में आएगा नहीं, इस तरीके से थोड़ा सा सिंपली समझ लीजिए कि ये जो वायल है जिसके अंदर इसको डाला जाता है स्टराइल वाटर को, और स्टराइल वाटर को डाल करके जितना सॉल्यूशन बनता है उसे 1 ml को 20 kg के ऊपर लगा दिया जाता है, बस इस तरह, ये सिंपल है। बाकी देखो इसको ऊपर नीचे किया जा सकता है, ये अकॉर्डिंग टू कंडीशन होता है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन इसको कैसे पहचानेंगे, इसीलिए हमने ऑनलाइन सेशन शुरू किया है जो हर महीने की 21 तारीख से होता है, जो माइनर चीजें सार्वजनिक रूप से नहीं की जा सकती वो हम करते हैं हमारे ऑनलाइन सेशन में, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं हर महीने की 21 तारीख से, लाइफ चेंजिंग सेशन उसका नाम रखा है, लेकिन सिर्फ नाम ही नहीं है,
काम भी है, अगर आप जाएंगे तब देखेंगे। चलिए वो बातें वहां करेंगे, तो यहां बात कर लेते हैं इस इंजेक्शन की पूरी बातें। तो यहां देखिए डायरेक्टर बाय द वेटरन लिखा हुआ है स्टोर बिटवीन 8 डिग्री सेंटीग्रेड टू 25 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 8 डिग्री से कम पर आप इसको स्टोर नहीं कर सकते, आप इसको फ्रीज में नहीं रख सकते कि 10 वाइल आप लेके आए और फ्रीज में रख दिया, कतई नहीं, और ना ही आप उसे गर्म वातावरण में रख सकते हैं। ये एक नॉर्मल रूम टेम्परेचर है, जहां गर्मी ज्यादा होगी वहां आपने रख दिया ना, फिर आप कहोगे सर बेंथामिन का रिजल्ट नहीं मिला, नहीं मिलेगा भाई, क्योंकि आपने सारे के सारे बेंथामिन खराब कर लिए। ये बेंथामिन का डिब्बा लिया और आपने बैग के ऊपर रख दिया, बैग को धूप में रख दिया, तो भाई वहां टेम्परेचर कितना जाएगा, 40 ही चला जाएगा, 35 चला जाएगा, तो खराब हो जाएगा। इसीलिए इसको आपको इस तरीके से मैनेज करना है, इस तरीके से रखना है कि टेम्परेचर ये रहे, ठीक है। प्रोटेक्ट फ्रॉम द मॉइस्चर लाइट, यानी डायरेक्ट सनलाइट से बचाना है, नमी से भी इसको बचाना है। ये तो सब लिखे हुए रहते ही हैं कि भाई बच्चों की पहुंच से दूर रखिए, ये सब है। 1 ampoule ऑफ 20 ml स्टाइल वाटर का इसके अंदर है, ये मैंने आपको दिखाई दिया, ये है। तो ये तो कुछ छोटी मोटी बातें ही होगी, लेकिन अब मेन बात कर लेते हैं, इसको सिर्फ सिर्फ इंट्रा मस्कुलर लगाया जाता है। अगर कभी भी ये चमड़ी में लग गया तो समझ लीजिए मामला खराब, सूजन आ जाएगी, गांठ बन जाएगी, बड़ी भारी दिक्कत हो जाएगी। कभी भी ये आईवी लग गया तो पशु की जान भी जा सकती है, भाई इतना खतरनाक है। और आपको पता है कि ह्यूमन बींग्स में जब लगाया जाता है ना, तो पहले इसकी जाँच की जाती है कि किसी भी बॉडी के ऊपर पेनिसिलिन ग्रुप रिएक्शन कर सकता है, लेकिन वेटनरी में ठीक है कि रिएक्शन नहीं करता है, फिर भी बड़ा ही सावधानी से पशु चिकित्सक द्वारा ही लगाया जाता है, क्योंकि ये शेड्यूल H1 ड्रग है। इसीलिए अब यहाँ देखिए, यहाँ 20 ml स्टाइल वाटर आपको दिया गया है, जिसको द प्रिपेयर्ड सस्पेंशन कैन बी यूज इन 24 आवर्स, यानी अगर आपने इसको तैयार कर लिया है ना। और एक बात विशेष मैं आपको बताऊँ कि इसके जो क्रिस्टल होते हैं ना अंदर, ये क्रिस्टल जो है जो आपको दिख रही है, ये बड़े ही मुश्किल से घुलते हैं। अब मुश्किल से घुलते हैं तो क्या करें, तो यूं ही आप ये इसमें मिलाते हैं ना, मिलाने के बाद मात्र 2 झटके यूं देंगे, उसके बाद यूं करेंगे। अगर आप इस वायल को इस तरीके से अगर आप इसको डिजॉल्व करते हैं, तो सारे के सारे क्रिस्टल जो है वो भाई डिजॉल्व हो जाएंगे इस तरीके से, ये याद रखिएगा हमेशा है। तो इस तरीके से करेंगे तो सारे के सारे हो जाएंगे, सारे के सारे सिरिंज में आ जाएंगे, और सारा का सारा मेडिसिन अंदर चला जाएगा, और पूरी डोज प्रॉपर वे में काम करेगी। तो ये एक विशेष बात है। और टेम्परेचर देखो, आप जो 24 घंटे रखना चाहते हो ना, मान लो इसको गोल्लूर के साहब 24 घंटे तक रख लूँ, मेरे पास तो 48 लाख था और पशु का वजन कुछ कम था, तो घोल करके रख लूँ, तो अगर आप रखना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि अब आप फ्रीज में रखें। पहले मैंने कहा 8 डिग्री से 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्टोर करना है, लेकिन अगर आपने डिजोल्व कर लिया है तो उसके बाद आप 2 डिग्री से 8 डिग्री सेंटीग्रेड यानी फ्रीज में रखेंगे, जहां सब्जियां रखी रहती है। फ्रीजर में तो 2 से नीचे चला जाता है, जहां बर्फ जमती है वहां मत रखिएगा, सब्जियां जहां रखी जाती है वहां रख करके विड्रोल पीरियड अगर देखें, यानी कि ये जो मांस में आएगा 28 दिन तक और दूध में आएगा 7 दिन तक, ये इसके विड्रोल पीरियड है। अब सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि आखिर ये काम क्या करेगा, इतनी सारी चीजें ले ली, काम की बात ही नहीं की भाई। ये सबसे बड़ा इसका काम है, पेनिसिलिन ग्रुप पहचाना जाता है घाव के लिए, यानी किसी भी प्रकार का घाव हो, चाहे चोट लगी है, एक्सीडेंट हुआ है, चाहे सर्जरी हुई है, चाहे खुरपका मुंहपका हुआ है, चाहे लंपी का घाव, किसी भी तरीके का घाव हो, चाहे आपने कोई मान लीजिए कास्टेशन वगैरह किया या टेल एम्पुटेशन किया, कुछ भी किया, हर प्रकार के घाव को ये भराता है। एक्चुअली ये जो पेनिसिलिन ग्रुप का इंजेक्शन है, ये सबसे बड़ी अगर मैं कमी मानूं ना इसकी, तो वो यही है कि ये सिर्फ सिर्फ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के विरुद्ध काम करेगा। किसके विरुद्ध काम करेगा? ग्राम पॉजिटिव। अगर सामने ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, क्योंकि आपको पता है जो भी एंटीबायोटिक ड्रग है वो बैक्टीरिया के खिलाफ काम करेगी, जीवाणुओं के खिलाफ काम करेगी, लेकिन जीवाणु 2 प्रकार के होते हैं बीमारी फैलाने की दृष्टि से, ग्राम पॉजिटिव भी होते हैं तो ग्राम नेगेटिव भी होते हैं। तो जहां ग्राम नेगेटिव से बीमारी हुई है वहां ये काम नहीं करेगा, इसको लगा करके पैसा और पशु की जान को जोखिम में भी डाला जा सकता है। तो इसीलिए जहां ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है वहीं पर यह काम करेगा। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया वाली कौन कौन सी बीमारियां हैं, मोस्टली अगर हम देखें तो सबसे बड़ी बीमारी है टेटनस, जिसको हम दणकिया बोलते हैं, भाई ये बहुत खतरनाक बीमारी है और इसकी ड्रग ऑफ चॉइस यही है। अगर हम बात करें
एक्टिनोमाइकोसिस। एक्टिनोमाइकोसिस क्या होता है? लंपी जॉ। लंपी जॉ मतलब जबड़ा सड़ जाता है साहब, जबड़े में सूजन आ जाती है, खतरनाक। वहां पर भी ये अच्छा काम करती है। इसके अलावा ज्यादातर जो ट्यूमर होती है, ट्यूमर में जो इन्फेक्शन होते हैं जैसे घाव की तरह, वो भी ग्राम पॉजिटिव ही होते हैं, तो वहाँ ये बहुत अच्छा काम करती है। और कई बार भाई ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की वजह से मेस्टाइटिस भी होती है, आपको बताया। तो ग्राम पॉजिटिव की वजह से अगर मेस्टाइटिस हुई है ना, खतरनाक काम करेगा। इसके अलावा निमोनिया, निमोनिया कई बार ऐसा होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया से होता है, अंधाधुंध एंटीबायोटिक लगा दिए जाते हैं, आराम नहीं मिलता, लेकिन ये बंदा कंप्लीटली ठीक कर देता है। इसके अलावा आपने अगर नाम सुना हो तो एक खून मूतने की बीमारी होती है जिसको हम बैसिलरी हीमोग्लोबिनूरिया बोलते हैं, और ये जो बैसिलरी हीमोग्लोबिनूरिया बीमारी है वो भी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया से होती है, वहाँ पर भी ड्रग ऑफ चॉइस। इसके अलावा ब्लैक वाटर, BQ, जी हाँ, ब्लैक वाटर लंगड़ा बुखार, आपको पता है खतरनाक बीमारी है, और गायों में विशेष तौर से जो यंग गायें होती है, हीपर्स होती है, उनमें तो भाई बहुत ज़्यादा कहर भर पाती है, तो वहाँ पर भी ये बंदा गजब का काम करता है। इसके अलावा डोज की बात मैंने कर ली, मस्कुलर बात, प्रेगनेंसी, अगर हम प्रेगनेंसी की बात करें तो प्रेगनेंसी में बिल्कुल सेफ है, हर स्टेज में लगाया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक बात यार आप इसकी ध्यान रखिए, इसको जब भी लगाते हैं ना, पेनिसिलिन ग्रुप का सबसे बड़ा डर रहता है रिएक्शन का, और उसको हमें भी मद्देनजर रखना है। और CPM, क्लोरफेनिरमाइन मेलिएट, जैसे जीट इंजेक्शन हो गया, क्लोराजिन हो गया, कोई सा भी क्लोरफेनिरमाइन मेलिएट या फिनिरमाइन मेलिएट का इंजेक्शन बड़े जानवरों में 10 से 15 ml इसके साथ लगाना, साथ मतलब मिलाना नहीं है मेरे भाई, अलग से अगर आप इस तरफ ये लगा रहे हैं, इस तरफ ये लगा दीजिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब भी आप लगाते हैं ना, उस समय विशेष ध्यान रखिए, जो ये सिरिंज निडल ठोकी, ठोकने के बाद देख लेंगे कहीं ब्लड तो नहीं आ रहा, और सिरिंज लगाएंगे तो भी खींच के देख लेंगे कहीं ब्लड तो नहीं आ रहा, ब्लड नहीं आ रहा हो तभी इंट्रामस्कुलर लगाया जाता है, क्योंकि जब आपने निडल 1.5 इंच वाली 18 नंबर की डाल दी है तो वो तो सब कट तो जाएगी नहीं, अंदर चलेगी, अब इंट्रावीनस का डर रहता है, तो उसको आप इजीली थोड़ा सा खींच करके देख सकते हैं। इसके अलावा ये लंबे टाइम तक काम करेगा, कितने दिन भाई ये काम करता है? 7 दिन, यानी 7 दिन तक ये लगातार काम करता है, लॉन्ग एक्टिंग LA, जो मैंने अभी नाम बताया था ना आपको, LA नाम, ये नाम LA जो दिया गया है ना, वो ऐसे ही नहीं दिया गया, लॉन्ग एक्टिंग, ये 7 दिन तक लगातार काम करता है। और हमारी एक थेरेपी है जिसको हम DCR थेरेपी कहते हैं, उस DCR थेरेपी का प्रमुख इंजेक्शन है ये, तो भाई लॉन्ग एक्टिंग काम करने की वजह से इसकी इंपॉर्टेंस और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, और इसका इस्तेमाल सभी जगह लॉन्ग एक्टिंग के रूप में भी होता है। जहाँ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का नाश करना है, वहाँ बेंटिपेन इस्तेमाल करना है।